हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। आधुनिक विज्ञान का उदय किस सदी में हुआ? ए 19वीं सदी, बी 17वीं सदी, सी 18वीं सदी, डी 20वीं सदी। आंसर होगा सी 18वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तौर पर विज्ञान के अंतर्गत आने वाले शास्त्र हैं ए भौतिक शास्त्र, बी रसायन शास्त्र, सी वनस्पति शास्त्र, डी इनमें से सभी। आंसर होगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्ञान का दूसरा नाम विज्ञान है? ए व्यवस्थित ज्ञान, बी प्राकृतिक पर्यावरण, सी आगमनात्मक ज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए व्यवस्थित ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान का लक्ष्य क्या है? ए निष्पक्षता की जांच करना, बी वस्तुनिष्ठा की जांच करना, सी सत्यता की जांच करना, डी इनमें से सभी। आंसर होगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति किस प्रकार की पद्धति है? ए निगमनात्मक पद्धति, बी तार्किक बौद्धिक पद्धति, सी आगमनात्मक पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी तार्किक बौद्धिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधविश्वास को प्राश्रय देना है ना कि वैज्ञानिक विधि को, किसका कथन है? ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। आंसर होगा ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति किस पर आधारित पद्धति है? ए आत्म प्रत्यक्ष पर, प्रत्यक्ष अनुभव पर, सी रहस्यात्मक अनुभव पर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी प्रत्यक्ष अनुभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति में किस तत्व की गुंजाइश रहती है? ए परिवर्तन, बी समायोजन, सी विभाजन, डी अनुगमन। ए आंसर होगा ए परिवर्तन। किस ज्ञान का दूसरा नाम विज्ञान है? व्यवस्थित ज्ञान का दूसरा नाम विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसका प्रयोग विज्ञानों में होता है। वैज्ञानिक पद्धति किस पद्धति पर आधारित है? वैज्ञानिक पद्धति साक्षात अनुभव पर आधारित होती है। थैंक यू।